ये डेफिनेटली पाकिस्तान ही है, मैं कनाडा में नहीं हूँ। ये मेरे पीछे है, आपके सामने रत्ती गली लेक। आप इसकी क्लीनलीनेस भी देख रहे हैं, इसकी वर्जिनिटी भी आपको दिख रही है। आई मीन सच अ नाइस व्यू, और बड़े बड़ा साइलेंस, आप कह सकते हैं कि इट्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जो लेक है, डेफिनेटली सैफल मलूक है, और आपने सैफल मलूक देखी हुई है। हम सब ने मिल के, वो इतनी जो खूबसूरत सी जगह है जिसे के कहा जाता है बड़ी देवमालाई सी, जहाँ पे परियाँ उतरती हैं, बहुत सारी बचपन में हमने उसके मतलब कहानियाँ सुनी है कि ये लेक उस पे 14वीं रात को मलका पर्वत के साए में, मीन हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन हमने उसकी शक्ल देखी हुई है कि हम सब ने मिल के जितना गंद डाल दिया है वहाँ पे, एवरीबॉडी कैन सी। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे वहाँ पे स्टेप्स भी ले रखे हैं, वहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम लोगों ने उसे कितना गंदा कर दिया। जस्ट एक एक छोटा सा ना, जिसे कहें इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, जिसने ये प्रॉब्लम किया हुआ है हमें। और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट वहाँ पे फैक्टर है कि जीप्स आती हैं ना जब नारान से, तो वो सारी बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ लेक पहुँच जाती हैं, और हर बंदे को आसानी से एक्सेस है। हर कोई अपना गंद उठा के आता है वहाँ पे, यूज़ करता, फेंकता, चला जाता है, और मतलब हर बंदे ने रोल प्ले किया भाई। यहाँ पे सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, या कह लें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो ये है कि आपको एक बेस कैंप तक जीप लेके आती है, उसके बाद आपने तकरीबन को 25 मिनट आधे घंटे का ट्रैक करके, थोड़ा सा हार्ड ट्रैक है, उसमें जब आप आएंगे तो डेफिनेटली आप सामान थोड़ा उठा के लाते हैं, और जो लेके आएंगे अच्छे लोग जो हैं वो अपने रैपर वैपर साथ ले जाते हैं, और बहुत अच्छा करते हैं। दे डेफिनेटली ऐड टू द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया। लेकिन यहाँ पे भी थोड़े से रैपर, थोड़ा सा ऐसी खराबी, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दिखा, लेकिन ओवरऑल इट्स सच अ नाइस प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और नेचर ने हमें ये गिफ्ट दिया। अब इंसान जो है ना, इंसान जो सबसे बड़ी क्रिएशन है, इसको चाहिए ये नेचर को और ब्यूटिफाई करने के लिए रोल प्ले करे, ये उसको और ख़राब ना कर दे। तो आप देख सकते हैं, सच अ ब्यूटीफुल व्यू इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, और हम सब इसे बड़ा अच्छा से इंजॉय भी कर रहे हैं। इसकी खूबसूरती और बढ़ सकती है अगर हम इसको साफ रखें, और ऑब्वियसली हम ही ने रखना है। थैंक यू वेरी मच।